हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं कुछ किचन की चीज़ें दिखाने वाली हूँ। रिसेंट मैं डी मार्ट गई थी, तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ किया है। ज़्यादातर किचन का है, एक या दो होगा घर की कुछ चीज़ें होगा। तो ये इतने बड़े कंटेनर के अंदर सारे चीज़ें हैं। तो ये कंटेनर भी मैंने डी मार्ट से ही लिया है। ये कंटेनर मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले इसके अंदर जो जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और साइड में भी कुछ एक या दो चीज़ें होगा। तो लिंक तो मैं आप लोगों को नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ये सारे ऑनलाइन पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके सिटी में अगर डी मार्ट है तो आप लोग वहाँ पर जाके ये सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हो। तो चलिए, मैंने किचन के लिए क्या क्या चीज़ें परचेज़ किया है एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये वाटर जग लिया है, तो यहाँ पे फ्रूट जूस भी रख सकते हो। तो ये ग्लास की है, एंड ये है इसकी हैंडल, और ये है इसकी लीड, प्लास्टिक के हैं। तो क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा है, एंड ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर है। प्राइस है इसका 169 रुपीज़, एंड ये 1 लीटर का है। तो सेम चीज़ अमेज़ॉन पे 850 रुपीज़ का है, तो उस हिसाब से 169 रुपीज़ में ये बहुत ही अच्छा है। तो नेक्स्ट मैंने ये सोप डिस्पेंसर लिया है, तो ये प्लास्टिक के है, एंड कलर है लाइट वायलेट कलर, बहुत ही प्रिटी कलर है एंड क्यूट है ये दिखने में बहुत ही। एंड प्राइस इसका 99 रुपीज़, एंड ये 450 ml का है। तो क्वालिटी इसका भी अच्छा है, एंड ये बहुत ही क्यूट है दिखने में, तो इसे मैंने किचन में रखने के लिए लिया है। तो नेक्स्ट मैंने ये टिफ़िन बॉक्स परचेज़ किया है, तो ये स्टील का है एंड क्वालिटी भी इसका अच्छा है, एंड प्राइस है इसका 109 रुपीज़। और नेक्स्ट मैंने ये क्लोथ वॉशिंग ब्रश लिया है, तो ये भी दिखने में बहुत ही क्यूट है, एंड इसकी जो ये ब्रशल्स है बहुत ही सॉफ्ट है, एंड ये 59 रुपीज़ का है। तो नेक्स्ट मैंने ये नाइफ परचेज़ किया है, तो ये सेम मैंने मीशो से इससे पहले परचेज़ किया था, साथ में और भी छोटे छोटे नाइफ था, तो वो 300 रुपीज़ का था, लेकिन क्वालिटी इसका अच्छा नहीं था, तो मैंने रिटर्न करके डी मार्ट से ही मैंने ये ले लिया है। तो इसकी जो क्वालिटी है देखकर ही पता चल रहा है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी होगी, एंड बहुत ही हैवी वेट में है, एंड प्राइस है इसका 249 रुपीज़। नेक्स्ट मैंने ऊट का ये चकला और ये बेलन परचेज़ किया है, तो ये 199 रुपीज़ का है, एंड इसका प्राइस है 79 रुपीज़। तो क्वालिटी इसका भी अच्छा है। तो नेक्स्ट मैंने ये 2-in-1 डबल लेयर का ये स्ट्रेनर परचेज़ किया है, तो यहाँ पे जो वेजिटेबल या चावल होते हैं वो इजीली यहाँ पे आप लोग धो सकते हो, एंड ये डिटैचेबल है, तो बहुत ही काम की चीज़ है ये, एंड प्राइस है इसका 99 रुपीज़। तो ये आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, या अमेज़ॉन मीशो कहीं पे भी ये आप लोग को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट मैंने ये 2 बोल्स लिया है, एंड ये सेरामिक के हैं, तो ये बहुत ही क्यूट है दिखने में, एंड ये जो छोटा वाला है ये और भी ज़्यादा क्यूट है। तो इसका जो प्राइस है वो है 19 रुपीज़, एंड इसका प्राइस शायद 80 या 85 रुपीज़ ऐसा कुछ था, मुझे ठीक से भी याद नहीं है। तो बहुत ही सुंदर है ये दिखने में। नेक्स्ट मैंने ये बटर बॉक्स लिया है, तो बटर रखने के लिए है ये बॉक्स, एंड ये प्लास्टिक के हैं। तो प्राइस मुझे इसका अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 60 रुपीज़ के आसपास ही होगा। तो नेक्स्ट मैंने ये प्लास्टिक हुक परचेज़ किया है, 5-पीस सेट का है ये, एंड इसका प्राइस है 60 रुपीज़। तो नेक्स्ट मैंने ये हैंगर परचेज़ किया है, तो ये प्लास्टिक के हैं, एंड दिखने में बहुत ही सुंदर है। तो इसे आप लोग ऐसे क्लोथ हैंगर भी यूज़ कर सकते हो, या तो किचन पे भी रख सकते हो, आपका जो स्पैचुला वगैरह है वो यहाँ पे रख सकते हो। तो प्राइस है इसका 219 रुपीज़। फिर मैंने ये ग्लास जार लिया है, तो ये बहुत ही क्यूट है दिखने में, तो मुझे ये इतना क्यूट लगा मैंने ले लिया है, एंड इसका जो लीड है ये भी मुझे बहुत पसंद आया है, एंड इसका जो प्राइस है वो है 25 रुपीज़। तो नेक्स्ट ये दो मेरी फेवरेट है, एंड ये ग्लास की है, तो ये मैंने डाइनिंग टेबल पे सॉल्ट रखने के लिए लिया है। तो क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा है, एंड प्राइस है इसका 89 रुपीज़ ईच, एंड ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर है। तो नेक्स्ट मैंने ये 2 बोल लिया है, एंड ये मुझे 1 buy 1 get 1 पे मिला है, एंड टोटल ये 80 रुपीज़ का है। तो इसमें लीड है, एंड इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, सेलो ब्रांड का है ये। तो ये मैं एक बार खोल के भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो नेक्स्ट मैंने ये 2 ट्रे लिया है, तो एक है ये एंड दूसरा वाला है ये, तो ये थोड़ा साइज़ में छोटा है। तो इसका जो प्राइस है वो है 199 रुपीज़, एंड इसका प्राइस है 39 रुपीज़। तो दोनों की क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो फाइनली मैंने ये होम डेकोर का भी एक चीज़ लिया है, तो ये है कैंडल, एंड इसका जो प्राइस है वो है 149 रुपीज़।
तो नेक्स्ट मैंने ये बास्केट परचेज़ किया है, प्लास्टिक के है ये एंड क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा है। तो जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं वो रखने के लिए मैंने ये लिया है। तो प्राइस इसका भी मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, कुछ 40 या 50 रुपीज़ होगा। तो नेक्स्ट जो मैं ये दिखाने वाली हूँ ये मेरी फेवरेट है। तो ये बहुत ही सुंदर है दिखने में एंड ये एक ज्वेलरी बॉक्स है। तो इसका जो प्राइस है वो है 199 रुपीज़ एंड वहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस पे बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स थे। तो ये जो बॉक्स है इसे आप लोग किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो इसके अलावा वहाँ पे अफोर्डेबल रेंज में और भी बहुत सारे गिफ्ट के ऑप्शंस भी थे। तो नेक्स्ट मैंने ये नॉन स्टिक का तावा लिया है। तो ये रोटी पराठा और डोसा ये सब कुछ बनाने के लिए है। तो इसमें दोनों साइड में हैंडल है। तो इसका जो प्राइस है वो है 1400 रुपीज़ एंड ये मुझे ऑफ़र में 500 रुपीज़ में मिला है। तो देखकर तो इसका क्वालिटी अच्छा लग रहा है लेकिन मैंने इसे अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी कैसा है। नेक्स्ट मैंने ये ग्लास सेट लिया है, 6 सेट का है ये। तो ऑनलाइन पे मैंने जो ग्लास सेट देखे थे कुछ उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा था, तो ये मुझे 6 सेट 199 रुपीज़ में मिला है एंड ये दिखने में भी अच्छा है एंड क्वालिटी भी इसका अच्छा है। नेक्स्ट मैंने ये सोफ़ा कवर लिया है, 2 सीट सोफ़ा का कवर है ये। तो ये बहुत ही सुंदर है दिखने में, फ़िलहाल अभी तो सोफ़ा नहीं है लेकिन ये मुझे इतना पसंद आ गया था तो मैंने इसे ले लिया है। तो इसे मैं किसी टेबल के ऊपर भी रख सकती हूँ या तो जब सोफ़ा लूँगी तो उसके ऊपर भी रख सकती हूँ। तो ये वेलवेट का है एंड प्राइस है इसका 299 रुपीज़ एंड क्वालिटी भी इसका बहुत ही अच्छा है। तो नेक्स्ट मैंने ये डोरमैट परचेज़ किया है एंड ये फर में है। तो इसका जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है एंड प्राइस है इसका 350 रुपीज़ एंड इसका जो साइज़ है आप लोग देख सकते हो बहुत ही बड़ा साइज़ है। तो मैं इसे एज ए डोरमैट यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसे एक टेबल के ऊपर रखूँगी और मेरी जो यूट्यूब के ओपनिंग वीडियोज़ मैं बनाती हूँ तो वो सारा प्रोडक्ट मैं इसके ऊपर रख के वीडियो बनाऊँगी। तो इस टाइप का कुछ मुझे बहुत पहले से चाहिए था, तो मैं ऑनलाइन पे भी मैंने देखा था, अमेज़ॉन पे कुछ 800 या 1000 से भी ज़्यादा प्राइस में मैंने देखा था। तो ये मुझे डीमार्ट में 350 रुपीज़ में मिल जाएगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा है इसका। लास्ट मैंने ये कंटेनर परचेज़ किया है एंड इसका जो साइज़ है बिग साइज़ में है ये। तो ये प्लास्टिक के है एंड इसकी जो प्लास्टिक के क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। तो इसका जो लॉक सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, ये इस तरह से ओपन होता है एंड अंदर इसकी जो स्पेस है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आप लोग बहुत सारा सामान रख सकते हो, किचन का या तो कोई और भी चीज़ भी आप लोग रख सकते हो। तो नीचे यहाँ पे व्हील है तो इसे इजीली मूव करके आप लोग कहीं पे भी रख सकते हो एंड इसका जो प्राइस है वो है 499 रुपीज़। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।